टॉल प्लांट को F2 के साथ, मतलब ये जो F2 आपकी फॉर्म हुई ठीक है फर्स्ट के साथ किया था, तो आपका क्या किया गया, अब F1 जो आया ठीक है, इसका इन्होंने क्या किया, जो रिसेसिव फैक्टर था ना यहाँ पे, उसके साथ इन्होंने क्रॉसिंग करवा दी ठीक है। तो रिसेसिव, जैसे हमारा F1 जनरेशन में क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है, हमने क्या किया था, जब इसकी क्रॉसिंग करवाई थी ना, ये किया था टॉल और ड्वार्फ लिए थे, तो इसमें से हमारा टी फॉर्म हो गया था, इसमें से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी ये हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया था F1, और जब इसकी हमने यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग करवाई थी तो ये हमारे पास फिर जो है स्मॉल टी टी का रिजल्ट भी फॉर्म हो गया था ठीक है। तो F1 में हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या बोला, जब ये हम इसका जीनोटिपिकली मेंडल जी ने यहाँ पे स्टडी किया ठीक है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो उन्होंने F1 जनरेशन ली ठीक है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, और उसको यहाँ पे क्रॉसिंग करवाया जो रिसेसिव फैक्टर था, रिसेसिव फैक्टर क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब उन्होंने क्रॉसिंग करवाया और उसके बाद जो उनके रिजल्ट मिले ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो वो भी उसी रेसो में थे ठीक है, तो इस क्रॉस को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस करा ना, तो इस तरीके के उन्होंने फिर रिजल्ट पाए, रेसो तो उनकी वो ही आई ठीक है फिनोटाइपिक, तो इस टेस्ट को बोला गया टेस्ट, मतलब ये डिटरमिन करने के लिए कि जो जीनोटाइप है टॉल प्लांट का ठीक है, जो टॉल प्लांट का फॉर्म हुआ है, तो जो इन्होंने F2 जनरेशन फॉर्म करी ना, तो मेंडल ने क्रॉस किया जो टॉल प्लांट था ठीक है, जो उनका F2 से फॉर्म हुआ है, उसको ड्वार्फ प्लांट के साथ कर दिया ठीक है। और ड्वार्फ प्लांट के साथ जब इसकी क्रॉसिंग करी गई, तो इस क्रॉस को क्या नाम दिया गया, टेस्ट क्रॉस। और एक आता है आपका बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में क्या किया जाता है, जो आपकी F1 हाइब्रिड फॉर्म हुआ है, F1 ये जो हाइब्रिड है, ये पेपर में ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार टेस्ट क्रॉस आता है और कई बार बैक क्रॉस आता है। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस में हम जो F1 आपका हाइब्रिड फॉर्म हुआ है उसकी क्रॉसिंग करवाते हैं रिसेसिव फैक्टर के साथ ठीक है, जो रिसेसिव जीन है, और रिसेसिव कौन से, हमारे स्मॉल टी, तो उसे बोला जाता है आपका टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस में क्या होता है, जो F1 हाइब्रिड है उसकी क्रॉसिंग करवाई जाती है जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, या पेरेंटल फैक्टर ठीक है, पेरेंट का जो भी है, जो डोमिनेंट है ठीक है, उसके साथ करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका ये फॉर्म हुआ है, तो इसकी क्रॉसिंग जैसे आप कैपिटल टी से करवा दीजिए ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बैक क्रॉस बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस ठीक है, एक क्रॉस हमेशा आता है आपको ठीक है। तो इसके थ्रू इन्होंने देखा जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन था उनका, और किस तरीके से फिनोटिपिक रेसो जो है वो 3:1 और 1:2:1 फॉर्म हुई ठीक है। एक और स्टडी करी गई यहाँ पे, ये जो क्रॉस थे, तो इनमें एक देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट फैक्टर लिया गया ठीक है, तो मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल लिए गए, और एक आप ले लो यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव करैक्टर, तो उसके साथ भी उनका क्या है, वही चीज फॉर्म हुई ठीक है। होमोजाइगस इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पर्पल लिख रही हूँ, वायलेट फ्लावर लिए ठीक है, सेकंड करेक्टर था ना, हमने बताया था फ्लावर के कलर के ऊपर भी किया था, तो वायलेट कलर जो है उसको कैपिटल W और कैपिटल W से कर दिया ठीक है। और यहाँ पे जो होमोजाइगस रिसेसिव में थे उसको स्मॉल W और स्मॉल W से ले लिया, जो वाइट कलर के फ्लावर थे ठीक है। तो जब इन्होंने यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, W और स्मॉल W ठीक है, कॉम्बिनेशन में आपको कैपिटल। तो मोस्टली जब इन्होंने इसका स्केच आर्ट बनाया ना, जब इसी की क्रॉसिंग करके और जो इसका रिजल्ट फॉर्म हुआ है, यानी कि कैपिटल W और स्मॉल W को जो हाइब्रिड बना ठीक है, फिर उसकी आई रिजल्टिंग, तो मोस्टली इनका रिजल्ट था कि उसमें सारे ही प्लांट आपके क्या है, वायलेट कलर की, ये वाले सारे ही वायलेट के थे, और यहाँ पे वाइट के जो है वो आपके फॉर्म हो गए, यानी कि एक स्पीसीज जो वो व्हाइट वाली ड्वार्फ वाली भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई ठीक है, तो कलर के साथ भी किया था। तो चलिए, ये तो था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही ठीक है। इनके टू लॉज हैं जो प्रिंसिपल दिए थे इन्होंने, लॉ ऑफ मतलब जो इनके थे ठीक है, उनके वो मोनो हाइब्रिड फर्स्ट टू लॉज जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही है ठीक है। तो लॉ फर्स्ट जो अब इनके देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है, तो फर्स्ट लॉ जो इन्होंने दिया था मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है, तो फर्स्ट लॉ दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था, ये जो एलील हैं ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, पेरी फॉर्म में होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं ना, तो एलील जो एलील मतलब जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा
जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेंट बोला जाएगा, ठीक है, वो डोमिनेंस शो करेगा अपनी। और जो आपका सेकंड जीन होगा, ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे हम बोलेंगे रिसेसिव जीन। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बोला गया था, यानी कि डोमिनेंट फैक्टर जो होता है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है और रिसेसिव फैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे आपने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी था ना, जब आपका ये हाइब्रिड फॉर्म हुआ तो ये वाला अपने आप, तो आपके प्लांट सारे ही प्लांट कैसे बने, सारे ही टॉल प्लांट बने थे, ठीक है, उसमें ड्वार्फ नहीं आया था। तो F1 जनरेशन में आपने देखा था कि सारे ही प्लांट कैसे थे, यहाँ पे टॉल प्लांट थे, ये क्योंकि ये अपने को डोमिनेंट, ये अपनी डोमिनेंसी शो करता है और इसको सप्रेस कर देता है, इसको डोमिनेट नहीं करने देता। तो ये अपना डोमिनेंस शो करता है और सारे ही प्लांट इसने कैसे टॉल प्लांट शो कर दिया और ड्वार्फ को फीचर को वहां पे फॉर्म ही नहीं होने दिया, ठीक है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, यानी कि उसको रिसेसिव रहने देता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखिए हम देखते क्या है। सबसे पहले इसमें आपके जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट है, मतलब करेक्टर्स जो हैं इसके, जैसे हम बोल रहे हैं हाइट है, ठीक है, ये जो करेक्टर है इनको कंट्रोल किया जाता है फैक्टर के थ्रू। ये जो इसके करैक्टर है, जैसे हाइट का करैक्टर है, हम प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये जो इसका करैक्टर है इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको फैक्टर कंट्रोल करेंगे, और अभी हम उनको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है, जो टर्म दी थी जॉनसन ने 1909 में। तो ये जीन जो है, सेकंड थिंग, ये किस फॉर्म में होते हैं, ये पेयरिंग फॉर्म में होते हैं। कभी भी हम लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, हाँ, ऑलवेज चीज़ों को क्या है, पेयर फॉर्म में लिखा। इन जीन को कैसे लिखते हैं, इसके टू एलील, मतलब मोन, इसमें हमने बोला था जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो आपके आते हैं, मतलब दो पेयर जो है, हमेशा ये पेयर फॉर्म में लिखे जाते हैं। जीन जो होंगे वो कैसे होंगे, पेयर फॉर्म में आएंगे, और ये जो पेयर फॉर्म है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग जो फैक्टर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको एलील बोला जाता है। अब एलील वर्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड थिंग थी जो डिसिमिलर पेयर होंगे, ठीक है, जो आपके डिसिमिलर पेयर हैं, डिसिमिलर पेयर कौन से हुए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये डिसिमिलर हैं, एक जैसे नहीं है, तो इसमें से एक जो है वो अपने आप की डोमिनेंसी शो करेगा, यानी कि एक जो है आपका डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा और दूसरा जो है वो क्या करेगा, रिसेसिव करेक्टर जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया था कि ये जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो आपका फर्स्ट है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, तो मेंडल ने तीन लॉज दिए थे, तो फर्स्ट टू लॉज जो है, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ठीक है, ये दोनों लॉ जो है वो आपके किसके अंडर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंडर आते हैं, जो हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करी, ठीक है, तो उसमें आते हैं। और थर्ड जो है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो आपका आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंडर, ठीक है, तो दो हम तभी इकट्ठे पड़े हैं। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, एलील जो है, यानी कि जीन जो है जो एक्सप्रेस करता है, जो अपनी डोमिनेंस शो करता है, ठीक है, उसको डोमिनेंट बोला जाता है, और जो नहीं कर पाता अपना एक्सप्रेशन शो, उसको रिसेसिव बोला जाता है। तो इसके करैक्टर जो होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं उसके फैक्टर, जिनको हम बोलते हैं जीन। और जीन ऑलवेज अक्कर इन अ पेयर फॉर्म, ठीक है, ये हमेशा पेयरिंग फॉर्म में होते हैं, जो आप देख ही रहे हो। और डिसिमिलर पेयर जो होते हैं, जो अलग अलग पेयर होंगे, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो हिट्रोजाइगेट फॉर्म, तो इसमें एक करेक्टर अपनी डोमिनेंस, जो कैपिटल में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक जो है वो अपने डोमिनेट करेक्टर शो करेगा और दूसरा जो है वो रिसेसिव करेक्टर शो करेगा। तो ये यूज़ किया, ये जो लॉ था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका यूज़ किया था एक्सप्रेशन के लिए, मतलब एक ही करेक्टर आपका, ये जो पेरेंटल करेक्टर है ना, ये एक ही करेक्टर अपनी डोमिनेंसी जो वो शो कर सकता है, दोनों में से एक ही क्या है अपने आप को डोमिनेंट शो करेगा, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है 3:1 में, ठीक है, इस रेशो में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब देखिए ये लॉ हमें क्या बताता है, ये लॉ जो हमें टॉल, हमारे जो प्लांट टॉल हैं, ठीक है, तो मतलब जो जीन उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे हम बता रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, और सिर्फ इन्होंने हाइपोथीसिस ही नहीं दी, इन्होंने लॉस दिया और उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंटली वर्क किया, डाटा के थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, थ्योरीज दी, और उसके थ्रू जो इस चीज़ को प्रूफ किया कि ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस वो शो करता है। चलिए नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, तो ये भी यही बेसो फॉर्म करता है आपका फिनोटिपिक
3:1 और जीनोटाइप में मैंने बताया आपको 1:2:1। तो सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट होता है अलग हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकिंग होती है, तो जो आपके एलील होते हैं, ठीक है, ये जो आपके एलील है, एलील किसको बोला जाता है, ये जो है हमारे, ठीक है, ये जो कंट्रास्टिंग फैक्टर हम पेयरिंग में लिखे, तो ये जो आपके एलील है ये कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ब्लेंडिंग क्या होता है, मिक्सिंग, ठीक है। जब क्या होता है ना, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है, यानी कि मियोसिस के थ्रू जो है, ठीक है, मियोसिस होती है ना, तो मियोसिस में क्या होता है, जब ये गैमेट फॉर्म करते हैं तो मियोसिस प्रोसेस लगेगी आपके वहाँ पे, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगी और गैमेट फॉर्मेशन होके जब वो क्या करेंगे, रैंडमली यहाँ पे फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो उनकी क्या होती है, ये दोनों ही कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी का था, तो आपने देखा यहाँ पे जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो रैंडमली जब ये सेग्रीगेट होते हैं ना यहाँ पे आ गए आपके, ठीक है, इसका टी कैरेक्टर यहाँ से आ जाएगा और इसका स्मॉल टी आएगा और दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये मिक्स नहीं करते कभी भी ऐसा। देखिए इन्होंने जितने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए ना, तो उसमें या फिर आपके इनके सारे ही टॉल प्लांट निकले या फिर ड्वार्फ प्लांट आए, ठीक है, ऐसा कोई भी करेक्टर फॉर्म नहीं हुआ जिसमें इंटरमीडिएट हाइट का कोई भी प्लांट इनको फॉर्म हुआ है हो, मतलब दोनों के करेक्टर मिक्स होके आए हो। आपने देखा ये टी वाला है वो डोमिनेंट वाला अपना करेक्टर शो करता है और स्मॉल टी जो वो ड्वार्फ का करेक्टर, इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन उनकी मिक्सिंग नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं तो आपके टॉल प्लांट आएंगे नहीं तो ड्वार्फ आए, ठीक है, उनके रिजल्ट में जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसमें टॉल या ड्वार्फ आए, कोई भी उनको ऐसा केस नहीं दिखा जिसमें इंटरमीडिएट हाइट का कोई भी उनको प्लांट वहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मतलब जो एलील फॉर्म होंगे उनमें मिक्सिंग नहीं होती है, ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है, मिक्स नहीं करते हैं वो आपस में जब वो गैमेट फॉर्म करेंगे या फर्टिलाइजेशन होगी। तो बहुत ही करेक्टर जो उनके करेक्टर होते हैं, ठीक है, वो रिकवर्ड कर लेते हैं जैसे उनके एफ टू जनरेशन में, सच एज इन द एफ टू जनरेशन में जो फॉर्म हो रहे हैं। अब जो फैक्टर है या एलील है पेयर के, ठीक है, वो सेग्रीगेट होते हैं जब वो गैमेट वहाँ से रिसीव करते हैं गैमेटोजेनेसिस से, तो सिर्फ एक, दोनों में से एक ही करेक्टर ना आप देखते हो कि वहाँ पर क्या कर पाता है कि अपने आप की डोमिनेंसी शो कर पाता है। तो उन दो फैक्टर में से, अब देखिए यहाँ पे दो सेग्रीगेट तो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से जो ये करेक्टर है ना, एक ही करेक्टर अपनी डोमिनेंसी शो कर पाएगा, एक ही करेक्टर अपना डोमिनेंट दोनों फैक्टर में, दोनों करेक्टर अपना शो नहीं करते। अब ऐसा नहीं होगा कि टॉल भी अपना शो करेगा और ड्वार्फ भी शो करेगा, अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो ये ही अपना डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा, ठीक है, दोनों फैक्टर में से एक ही करेक्टर क्या करता है, अपना करेक्टर जो वो यहाँ पे शो करता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे येलो सीड है, तो येलो सीड, सीड का करेक्टर आ गया, ठीक है, येलो सीड की क्रॉसिंग करवाई इन्होंने यहाँ पे ग्रीन कलर सीड के साथ, ठीक है, तो येलो के लिए इन्होंने कैपिटल वाई ले लिया यहाँ, क्योंकि हम हमेशा इनको क्या लिखते हैं, पेयर फॉर्म में लिखेंगे जीनोटाइप, तो ये इसका फिनोटाइप है, यानी कि एक्सटर्नली आप पहचान सकते हो, ठीक है, ये एक्सटर्नली जो लिखते हैं ये आप सीड देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि येलो कलर का है, और ये इसका जीनोटाइप है जो आपको जेनेटिक कंस्टिट्यूशन से ही पता लगेगा, ठीक है, जेनेटिकली जब उसका इंटरनल स्टडी करी जाएगी, जब इसकी क्रॉसिंग करी गई, अब इसके लिए स्मॉल जीन ही लिखा जाएगा, ये जीन ही लिखा जाएगा, इसके लिए स्मॉल वाई का ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है, जो हमने बता दिया है। अब ये गैमेट फॉर्म करेगा तो यहाँ से एक ही फैक्टर जो आपका फॉर्म होगा, ठीक है, और क्रॉसिंग करके कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आप देख रहे हो जो डोमिनेंट होगा वो ही अपने आप को, जैसे कैपिटल वाई है तो यहाँ पे डोमिनेंट है, तो आपके इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मोस्टली जो सीड आएंगे वो कैसे आएंगे, येलो सीड ही फॉर्म हुए, ठीक है, जो उन्होंने जब क्रॉसिंग करवाई तो मोस्टली सीड कैसे निकले वहाँ पे, जो डोमिनेंट थे वो येलो सीड थे, लेकिन आप देखते हो यहाँ पे पी के जो होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है तो मोस्टली हमने ग्रीन कलर के देखे हैं, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर जो है वो येलो सीड फॉर्म करते हैं और ग्रीन जो है वो रिसेसिव में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारी आपकी इसी के अंडर है, ठीक है, सेग्रीगेशन ये जो दे रहे हैं आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्मॉल टर्म है ये, ठीक है, इसके अंडर है। अब इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरीके से अपनी डोमिनेंसी शो नहीं करेगा ये,
देखिए यहाँ पे प्लांट दिया गया आपका स्नैपी ड्रैगन, ठीक है, यहाँ पे प्लांट का नाम है स्नैप ड्रैगन, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है एंटीरिनम, ठीक है, एंटीरिनम ये प्लांट था आपका, ठीक है, इसको डॉग फ्लावर भी बोला जाता है, डॉग फ्लावर, ठीक है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। यह आपका फोरो क्लॉक है, फोरो क्लॉक है एक प्लांट, ठीक है, जिसे बोला जाता है मिराबलिस जलापा, ठीक है। तो मोस्टली इसके ऊपर जब ये करा गया, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कहते हैं, इस प्लांट के ऊपर किया गया था। अब इसमें जो आपका F1 जनरेशन जो फॉर्म हुई थी, ठीक है, जो फिनोटाइप था वो क्या है, उसके पेरेंट्स से जो फिनोटाइप फॉर्म हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका फिनोटाइप यानी कि F1 जनरेशन में फॉर्म हुआ जब इस प्लांट का लिया गया। चलिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इरेज करके आपको, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं। और देखिए इसके थे रेड कलर के फ्लावर, ये जो हमने लिया ना यहाँ पे आपका डॉग फ्लावर जो है, ठीक है, स्नैप ड्रैगन का, तो ये इसका रेड फ्लावर थे, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप है ये आपका इसका, ठीक है, ये रेड कलर के फ्लावर थे, तो इसकी क्रॉसिंग करवाई गई यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर के साथ। तो जब क्रॉस किया गया यानी कि स्मॉल आर लिया हमने, ठीक है, यहाँ से आर और ये आपका स्मॉल आर, देन क्रॉसिंग, ये जो आपकी F1 जनरेशन बनी, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब देखिए ये आपके जो यहाँ पे फ्लावर फॉर्म हुए ना, तो वो किस टाइप के फ्लावर थे, वो आपके सारे ही हमारे फ्लावर पिंक कलर के फॉर्म हुए। तो इससे क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली में क्या है, देखिए F1 जनरेशन जो हमारी यहाँ पे फॉर्म हुई वो आपकी रिजेंबल नहीं करती थी, मतलब वो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रही थी उसके पेरेंट्स के साथ, जो उसके पेरेंट्स थे। देखिए पेरेंट्स कैसे हैं, रेड कलर का फ्लावर है और एक वाइट कलर का फ्लावर है, और यहाँ पे देखिए जो प्रोजेनिस फॉर्म हुई है वो कैसी है, वो आपके पिंक कलर के फ्लावर आए सारे, यानी कि ये जो आपकी F1 प्रोजेनिस, मतलब F1 जो आपकी जनरेशन फॉर्म हुई वो बिल्कुल भी पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रही थी, ठीक है। इसके करेक्टर जो थे दोनों के मिक्स करेक्टर थे, मतलब दोनों को कंबाइन करके जो है ये फॉर्म हुए थे। अगर आप रेड और वाइट को मिक्स कर दो ना, तो आपका पिंक कलर जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग जो आपके रेड थे, यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग जो रेड फ्लावर थे, ठीक है, उनकी क्रॉसिंग करवाई ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर के साथ, और इनको रेशो क्या देखने को भी नहीं, 1:2:1। देखिए तो अब यह ये हमारे यहाँ पे F1 आए हैं, जब इनको दोबारा यहाँ पे क्रॉसिंग करके पुन्नेट चार्ट में फॉर्म करा गया, तो देखिए फर्स्ट हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ये पुन्नेट स्क्वेयर चार्ट में हम इसको फॉर्म करेंगे, मैंने बताया आपको, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये फॉर्म हुआ है ना, जब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे एक तरफ आपके मेल गैमीट आएंगे और एक तरफ जो वो फीमेल गैमीट आएंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट इसके फॉर्म हो गए आप खुद देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारे तीन करेक्टर यहाँ, मतलब मोस्टली देखिए यहाँ पे जो आए ना सेकेंड जनरेशन में, ये तो थी फर्स्ट जनरेशन में, तो हमारे सारे ही कैसे आए थे, पिंक कलर के फ्लावर, यानी कि वो आपके पेरेंट्स से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि पूरी डोमिनेंस ही उन्होंने फॉर्म नहीं करी, उन्होंने मिक्स करके कुछ और ही करेक्टर फॉर्म कर दिया, ये जो उसके पेरेंट्स से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता था, मतलब दोनों का मिक्सचर था, रेड और वाइट को कंबाइन करके दोनों का मिक्सचर फॉर्म हुआ था। और जब इन्होंने इसी की क्रॉसिंग करवाई ना, सेल्फ क्रॉसिंग करवाई आपस में, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट करवाया, तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए ये वन जो है वो आपके रेड फॉर्म हुए, ठीक है, रेड फ्लावर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो आपके स्मॉल आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको, ठीक है, तो ये कितने हैं आपके, टू जो है ये आपके यहाँ पे फॉर्म हो गए, ठीक है, हिट्रोजाइगस फॉर्म में। तो ये थे आपके पिंक कलर के, और यहाँ पे वन जो है वो आपके कैसे फॉर्म हो गए, वो आपके आगे रिसेसिव में, यानी कि आपके यहाँ पे जो फ्लावर थे वो वाइट कलर के थे। तो ये रेशो देखने को मिली यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब फिनोटिपिक रेशो जो है इसकी और जीनोटिपिक रेशो जो है वो दोनों ही सेम थी। अब यहाँ पे ये पहला है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी डोमिनेंस है, ठीक है, जिसमें मतलब कौन सा ये लॉ है, जहाँ पे क्या है, ये जो आपके आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो आपका रेशो है दोनों का सेम होता है, तो आपकी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिसमें फिनोटिपिक और आपकी जीनोटिपिक रेशो जो है वो दोनों ही सेम आती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया जितने मतलब रेड कलर के फ्लावर जितने ही पिंक कलर के 2:1 आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी व्हाइट कलर की 1:1 आ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके के करेक्टर जो वो फॉर्म हुए। तो यहाँ रेशो जो है, ठीक है, वो 3:1 ना आके, ठीक है, जैसे फिनोटिपिक में आप देख रहे थे ना, अभी हमारा किसका चला हुआ है, ये इसी का चला हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। तो 3:1:1 आ रही थी, यहाँ पे आपने देखा कि 3:1 नहीं आ रही है, यहाँ पे आपकी जो है 1:2:1 ही ये फॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन थी कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस की, कि हर जीन जो है वो कंटेन करता है, मतलब हर जीन जो है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन है कि हर जीन जो है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या करता है, कंटेन करता है, और उसको एक पर्टिकुलर ट्रेट में जाके एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है, जो हमने देखा यहाँ पे कि हर जीन के पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसे हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 2 कॉपीज होती हैं हर एक जीन की, ठीक है, दैट इज़ अ पेयर ऑफ एलील जो डिड नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। वो जरूरी नहीं कि हमेशा ऑलवेज एक जैसी हो, ठीक है, वो चेंज भी हो सकती है, उसके करेक्टर बीच में क्या है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मॉडिफाइड करेगा तो वो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। देखिए हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एंजाइम फॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर आपका एंजाइम के लिए क्या है, ये जो आपका एंजाइम फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर आपने नॉर्मल जीन लिया हुआ है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल जीन लेके चल रहे हो तो नॉर्मल जीन से क्या होगा, आपका नॉर्मल एंजाइम ही फॉर्म होगा, ठीक है, आपने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, यानी कि आपके जीन के स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। लेकिन अगर नॉर्मल एलील जो है आपका, ठीक है, मतलब अगर उसके स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफाइड, अगर हम मॉडिफाइड एलील ले लें, यानी कि हम के उसके जीन के स्ट्रक्चर में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है, अगर मॉडिफाइड एलील लेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशन, यानी कि करेक्टर फॉर्म करने के लिए। फर्स्ट हो सकता है वो नॉर्मल जीन फॉर्म करे, ठीक है, नॉर्मल करेक्टर फॉर्म करे, या लेस एफिशेंट हो एंजाइम फॉर्म करने में, यानी कि आपके रिसेसिव करेक्टर भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, डोमिनेंस में या रिसेसिव में। तो लेस एफिशिएंट होगा वो एंजाइम फॉर्म करने में, ठीक है, अच्छे से वो एंजाइम फॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मॉडिफाइड हो चुका है, ठीक है, उसमें आपने कुछ और जीन इंट्रोड्यूस करके। नॉन फंक्शनल, मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना सकता है। अब मॉडिफाइड हो चुका है तो फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं देगा, ठीक है, नॉन फंक्शनल जो है एंजाइम वो फॉर्म कर देगा, एंड नेक्स्ट है या फिर कोई भी एंजाइम वो फॉर्म ही ना करे, ठीक है। हम अगर नॉर्मल है ना जीन आपका, अब कि हर किसी का अपना करेक्टरिस्टिक होता है, मतलब हर जीन जो वो अपना करेक्टर शो करता है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है हर जीन के अंदर। तो अगर आपका जीन नॉर्मल है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं एंजाइम का, तो नॉर्मल जीन फॉर्म कर देगा, लेकिन अगर आपका जीन मॉडिफाइड हो गया ना, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया, तो हो सकता है कुछ करेक्टर वो नॉर्मल शो करे, या कुछ में वो लेस एफिशिएंट हो जाए, ठीक है, एंजाइम प्रॉपरली फॉर्म ना कर पाए, या नॉन फंक्शनल कर दे उस एंजाइम को, या फिर एंजाइम फॉर्म ही ना करे, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो है आपका, तो वहां पे क्या होगा, अगर मॉडिफाइड हो चुका है एलीन तो वो इक्विवेलेंट होता है कि अनमॉडिफाइड जो है, अनमॉडिफाइड क्योंकि उनका सेम जो है फिनोटाइप चलता है। यहाँ पे बहुत कॉमन है, अगर हम एलील जो प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड हम बोल रहे हैं कि नॉन फंक्शनल एंजाइम है यहाँ पे, ठीक है, तो नो एंजाइम द फिनोटाइप में भी इफेक्टेड। तो यहाँ पे क्या करें, अगर नॉन फंक्शनल है आपका एंजाइम यहाँ पे, या फिर एंजाइम है ही नहीं, ठीक है, एंजाइम उसने फॉर्म ही नहीं किया, तो आपका फिनोटाइप क्या है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, अगर जीन नहीं है ना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो फॉर्म करने के लिए, तो आपका फिनोटाइप जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है, वो अफेक्ट कर जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो उसको जीन चाहिए वो फॉर्म नहीं हो रहा है, वो नॉन फंक्शनल जीन फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो वो अपना करेक्टर वहाँ पर शो नहीं कर पाएगा। तो चलिए ये था हमारा, ठीक है, अगर जीन में चेंजेस हो जाते हैं या मॉडिफिकेशन हो जाती है तो वो किस तरीके के पॉसिबिलिटीज शो कर सकते हैं, ठीक है, किस टाइप के करेक्टर जो वो फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कंसेप्ट कोडोमिनेंस, ठीक है, स्मॉल टर्म्स हैं ये। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, ये जो इसे कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन होती है, एलील्स जो वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि आपके F1 जनरेशन होगी वो दोनों ही पेरेंट्स से रिजेंबल करती है, यानी कि ये जो आपकी F1 जो जनरेशन आती है वो रिजेंबल करती है, मतलब बिल्कुल मिलते हैं उसके करेक्टर बोथ पेरेंट्स से, दोनों ही पेरेंट्स से उसके करेक्टर जो है
वो मिलेंगे, ठीक है, बहुत फेयर है। सो मतलब इसमें से दोनों किससे करेक्टर क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अब आपने पीछे देखा ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता है, एक रेड है एक वाइट है, तो उन्होंने पिंक कलर के फ्लावर फॉर्म कर दिए, ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट। लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अब इनके करेक्टर जो आपकी F1 जनरेशन फॉर्म होगी ना, तो उसमें करेक्टर जो वो बोथ पेरेंट के रिजेंबल करेंगे, ठीक है, दोनों पेरेंट के रिजेंबल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल है AB आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मतलब AB ग्रुप की बात करें, अगर हम होल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी का भी, तो AB O कोई भी ब्लड ग्रुप है, मतलब अब इनमें क्या होता है, ये जो आपका ब्लड है इसमें कंट्रोलिंग जीन होते हैं आपके आई, और आई जीन जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर की कंट्रोलिंग के लिए, आपके ब्लड में जो शुगर को, शुगर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका जीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो आई है। अब देखिए जो ये क्या करता है ना, यहाँ पे इसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये 3 एलील्स भी क्या होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब वन जीन के लिए आपके लिए 3, अभी तक हम देख रहे थे कि 2 एलील होते हैं पेयर में मोस्टली, पर यहाँ पे देखिए आपके 3 एलील जो वो रिस्पॉन्सिबल है, आई ए एलील भी ये फॉर्म कर सकता है, IV एंड I, ठीक है, तो ये थ्री हैं यहाँ पे एलील्स जो वन जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। जीन कौन सा है, यानी कि शुगर कंट्रोलिंग का, और शुगर को कंट्रोल करने के लिए कितने एलील आ रहे हैं यहाँ पे आपके 3, IA IV एंड I, ओके, तो यहाँ पे IA है, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी जो है, कितने कॉम्बिनेशन जो है ये शो कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका IA एंड IV जो है, ठीक है, अगर वो कंबाइन करेंगे ना तो वो क्या कर सकते हैं, IA एंड B अगर दोनों, तो वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स वहाँ पे क्या करेंगे शुगर की, अगर ए और बी का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, ए से भी प्रोड्यूस हो जाएगी शुगर, बी से भी, और ए और बी अगर दोनों कंबाइन फॉर्म में आते हैं तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंट टाइप की शुगर जो है वो फॉर्म कर दे। अगर आपका आई यहाँ पे फॉर्म होगा ना, तो आई जो है वो कोई भी शुगर फॉर्म नहीं करता है, मतलब किसी शुगर को वहाँ पर कंट्रोलिंग करने का काम नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे आपके मतलब ये जो पेरेंट दिए हुए हैं, तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज फॉर्म कर सकते हैं, आई ए आई, जब हम इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, IA I या IBI, या फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा IA IV एंड I। देखिए ये पॉसिबिलिटीज जो वो हमारी फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, अगर आपका IA एंड IB कंबाइन करता है तो वो कंप्लीटली डोमिनेट करेगा। अब यहाँ पे जीन जो है, अगर आपका IA और IB दोनों का रिजल्ट आता है ना, दोनों कंबाइन होके आते हैं, तो ये क्या करेंगे, कंप्लीटली डोमिनेट करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली डोमिनेट हो गए, यानी कि शुगर जो है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए जीन है ये, तो ये जो है आपका, ठीक है, ए और बी आ रहे हैं तो डिफरेंट टाइप की शुगर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये फॉर्म होते हैं तो कंप्लीटली डोमिनेंट फॉर्म में आएंगे ये आपके, अगर आई आता है तो ये आपका रिसेसिव में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे शुगर फॉर्म करता ही नहीं है, शुगर फॉर्म ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे कोडोमिनेंस में कि कैसे कोऑपरेट करते हैं ये, तो वहाँ भी हमने देखा कि एक जीन के लिए 3 एलील्स जो वो रिस्पॉन्सिबल है जैसे शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ब्लड में जो जीन है वो जीन आई है, तो इसके भी जो एलील है IA IB एंड I है, ठीक है, तो ए और बी तो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, तो वो डोमिनेंस ही शो कर लेते हैं, यानी कि शुगर को कंट्रोलिंग करने का काम करेंगे, लेकिन आई जो है वो शुगर फॉर्म ही नहीं करता है, यानी कि उसको रिसेसिव फैक्टर में चला जाता है वो, ठीक है, तो ये था हमारा कोड डोमिनेंस का, और इसका भी क्या चलेगा, इसी तरीके से, मतलब रेसो वो ही चलेगी इसकी 3:1 के लिए, क्योंकि मोनोहाइब्रिड के लिए रेसो तो वो ही फॉर्म करेगा, ठीक है, तो ये डिफरेंट एलील भी यहाँ पे फॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे मल्टीपल एलील। और देखिए जब एक जीन के लिए, ठीक है, जो आपका एक जीन है ना उसके लिए 2 से ज्यादा मोर देन 2 एलील जो है, ठीक है, मोर देन 2 एलील उसको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं या फिर उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, कंट्रोल्ड करते हैं,
जब एक जीन का जो करेक्टर है ना उसको क्या कर रहे हैं, दो से ज्यादा एलील हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे दो या तीन, मतलब दो से ज्यादा एलील जो उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलील। ठीक है, तो मल्टीपल एलील जो है यहाँ पे फॉर्म आ जाता है। जैसे आपका ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप में भी आप देखते हो ब्लड ग्रुप तो आपका एक ही जीन है ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, लेकिन इसको कितने एलील करते हैं। देखिए किसी का अगर हम टोटल इसको हमेशा काउंट करते हैं होल पॉपुलेशन में, ठीक है, अगर हम फैमिली की बात में करें तो सभी ब्लड ग्रुप जो वो नहीं आएंगे, किसी का ए बी या इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है, पूरे मतलब उस फैमिली में नहीं मिलेंगे, तो हम पूरी पॉपुलेशन का लेके चलते हैं। तो ब्लड ग्रुप जैसे आपको पता है ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है एंड ओ है, ठीक है, तो इसके पॉसिबल एलील क्या हो सकते हैं, आई ए, आई बी, आई ए बी, ठीक है, आई ए आई बी एंड आपका आ सकता है यहाँ पे स्मॉल आई, या फिर आई नॉट भी लिखा जाता है, या फिर इसको आई लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके फोर जो हैं वो पॉसिबल एलील यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ये देखिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, अगर आपका ये पेरेंट वन है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका पेरेंट वन है, ठीक है, और ये है पेरेंट सेकंड, ठीक है, तो उनके ऑफ स्प्रिंग की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ब्लड ग्रुप जो है, जो ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग का आएगा वो क्या पॉसिबल होगा, अगर आपका, ठीक है, पेरेंट का आई ए, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसका भी क्या है बी है, तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग का हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या है, और ये आपका टोटल जो है वो कौन सा बनेगा। तो दोनों कंबाइन होंगे ना, जब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए पेरेंट का जो है, थोड़ा सा अगर पेरेंट का ए है, ठीक है, अगर मान लो इसमें मेल जो है पेरेंट, ठीक है, तो उसका ए है, और फीमेल जो है, ठीक है, मदर जो है उसका भी ए है, तो अगर दोनों ऑफस्प्रिंग में कंबाइन करेंगे तो टोटल ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ऑफस्प्रिंग का, ए आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, यानी कि क्या क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे फॉर्म हो सकते हैं। अगर पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट का बी है ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे भी आपका सेकेंड पेरेंट का भी बी है, तो ऑफस्प्रिंग का क्या आएगा कंबाइन करके, यहाँ पे हो सकती है ये इसके एलील्स हैं, ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। अगर है एक पेरेंट का ए और दूसरे पेरेंट का बी ब्लड ग्रुप है, तो ये कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, आई बी, यानी कि उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अब देखिए अगर पॉसिबिलिटी होती है ना, हम हमेशा लेके चलते हैं 100% से, 25-25 में डिवाइड होता है। अगर मान लो, ठीक है, इनके ऑफ सफरिंग होते हैं, अगर इनका एक का ए है तो एक का बी है, तो जो चाइल्ड में चांसेस होंगे ना ऑफ सफरिंग में फॉर्म होने के, हो सकता है एक चाइल्ड का ए आए या बी आए या ए बी आ जाए, ठीक है, थ्री पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो मोस्टली जो है ए बी ब्लड ग्रुप जो है, जब ए और बी कंबाइन करेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है, ए और बी फॉर्म करेगा, देन आपका अगर आई ए, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, सेकेंड का जो है ओ है, इसके साथ कंबाइन करेगा तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, अगर एक पेरेंट का ए है दूसरे का ओ है, तो अगर आपका आई ए और ओ वाला कंबाइन करेगा तब भी क्या आएगा, ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका आई बी है एक,